अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? मज़े में। उम्मीद तो यही है कि मज़े में हो के मस्त माहौल, मीठे चौल। वैसे लाहौर में यार सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। मैं तो काफ़ी कपड़े पहन के रहता हूँ कि सर्दी ना लगे। तो अच्छा, तो बात को फिर आगे लेके चलते हैं। काफ़ी देर से जब मैं वीडियो का कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो जो है ना मैं किसके ऊपर बनाऊँ, तो वो रिसर्च करते करते ही जो है ना मुझे आइडिया इस चीज़ का हुआ कि जो है ना जो अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं ना, वो जो है ना डेली व्लॉगिंग करते रहे। पर मैं जो है ना डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जो है ना मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ। अगर मैं वो करने लग पड़ा तो फिर काट देंगे ऑफिस वाले। तो खैर, तो मैं ये सोचा था कि अगर मैं ज़्यादा कंटेंट बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह बना सकता हूँ। मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो मैं ना आपके सामने उसमें कंटेंट डालूँ और जो ना मैं आपको अपलोड करता हूँ उसको एडिटिंग करके। तो और जो है ना डेली ब्लॉगिंग का और जो है ना ज़्यादा वीडियोस बनाने का फ़ायदा भी होता है कि आपके आपके आप में जो है ना स्किल आ जाते हैं कि कैमरे के आगे बोलने की, और जो सारा डर वगैरह रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। फिलहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसे, जब बंदा कैमरा निकालता है ना किसी लोगों के सामने, वो ये समझते हैं कि मुंडा पागल ही है। तो खैर, फिर मैं ये सोचा था कि किस तरह वीडियोस बनाऊं। तो लास्ट टाइम जो मैंने फिर बाइक के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, वो काफ़ी जो है ना लोगों को पसंद भी आई थी, और लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि आपने मतलब किस तरह वीडियो बनाई है। तो मैंने बताया भाई वो सीधी साली जुगाड़ लगाया मैंने ये जो गरिल्ला ट्राइपॉड होता है उसको मैंने बैग के अंदर लगाया, बैग को आगे पहना उल्टा, और उसमें मोबाइल लगाया। पर डर बहुत लगता है कसम खुदा की कि जो ना मोबाइल ना गिर जाए। तो फिर ये मतलब रोज अगर आप बाइक वीडियो बनाना चाहो ना तो उस पर आप बना भी नहीं सकते, आपको डर लगेगा। तो फिर ये इसी तरह ये सोच विचार के अंदर ही था। तो मुझे जो है ना आइडिया है कि मैं बाइक तो जो है ना रोज राइड करता हूँ, तो क्यों ना जो है ना बाइक का जो है ना लाहौर का व्यू इसी तरह घूमते फिरते लोगों का दिखाया जाए। ऑफिस तो मैं जाना ही जाना था बाइक राइड करके, सुबह जाना है और शाम को आना है, और बीच में कहीं इधर उधर होगी और आपने वीडियो बना ली और कंटेंट आपने अच्छा रखना है। तो इंशाल्लाह कंटेंट हम कोशिश यही करेंगे कि अच्छा रखें, और जो है ना कोई टॉपिक डिसाइड किया और उस पर हम थोड़ा इधर हमारा मटर गश्ती की लाहौर की, और जो है ना बीच में बोले और कोई अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया और उस पर वीडियो बना दी और उसको अपलोड कर दिया। इससे जो है ना मेरी एडिटिंग स्किल भी बेटर होंगे, मेरे बोलने का तरीका भी बेहतर होगा, मैंने किस तरह आपसे बात करनी है, और जो है ना फिर मेरी बाकी भी इम्प्रूवमेंट आएंगी। तो खैर इसी चीज़ को देख रहा था, फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जो है ना मोबाइल के ऊपर इसी तरह वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, तो जो है ना मैंने फिर डिसाइड किया कि हमें एक्शन कैमरा लेना चाहिए। फिर कौन सा एक्शन कैमरा लेना चाहिए तो वो फिर मैंने परचेज़ कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये यी का 4K+ कैमरा लिया है, ये जो है ना यी का लेटेस्ट मॉडल है 4K+। इससे पहले इनका 4K था, वो भी बड़ा अच्छा कैमरा था। तो ये आप सोच रहे होगे कि मैंने गोप्रो क्यों नहीं लिया, यार गोप्रो काफ़ी महंगा है, तो इतने पैसे तो मैं नहीं लगा सकता, और इसका जो क्वालिटी और इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो जो है ना फिट किस्म की हैं और गोप्रो के लेवल की हैं। तो क्यों इतने ज़्यादा बंदा इतने ज़्यादा पैसे खर्च करे जब आपका हाफ प्राइस में आपका काम हो जाएगा। तो खैर फिर मैंने जो है ना ये वाला कैमरा लिया है, और ये जो मैंने कैमरा लिया है ना ऑल माई टैक्स से लिया है। सुना तो उनकी जो मैंने फीडबैक वगैरह कहीं दोस्तों वगैरह से लिया है वो तो मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। तो अब देखेंगे इनका प्रोडक्ट खोल के, क्योंकि मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया, अब इसको अनबॉक्स करेंगे और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर कैसे और ऑल माई टेक किस तरह के प्रोडक्ट्स देता है कि दो नंबर ही नहीं लगाता, और हम उसको एंड पे उसको भी उनको भी फीडबैक देंगे। और अभी आप सोच रहे होगे कि भाई नया नया कैमरा ले आते फिर शौकी मार रहे हैं, तो भाई अगर व्लॉगिंग करनी है तो हमने तो शौकी मारनी है, कंटेंट हमें मिला है तो हमने उस पर वीडियो बनानी है। तो आप चाहो कहते रहो हमने तो वीडियो बनानी है, कंटेंट मिल गया हमें। तो खैर अब हम आगे चलते हैं, हम इसको करते हैं अनबॉक्स और फिर देखते हैं कि क्या है। चलो फिर करते हैं अनबॉक्सिंग इसकी। जी, अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास है एक अदद छुरी, अम्मी की छुरी, कोई स्पेशल कटर नहीं है हमारे पास, अम्मी की छुरी है जिसे सब्जियां कटती हैं, हम उसे अब अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अब हम काटते हैं इसके फीते। देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। इसके अंदर है हमारे पास ये वाटर केसिंग है, इसे स्क्रू है, साथ हमारे पास ये कैमरा है, और ये हम देते हैं क्या है, ये बैटरी है। ये हमारे पास बैटरी,
केसिंग है पानी से बचाने के लिए, क्योंकि ये जो है ना ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, इसके लिए केसिंग ये ज़रूरी है। वैसे तो ये ना 4000 की मिलती है, पर जो मेरे पास जो ये किट आई है ना गोप्रो की एक्शन कैम की, ये इसके अंदर फ्री में है, तो खैर मुफ्ता लग गया। अब आगे चलते हैं, ये है हमारे पास इसका। ये अगर आपने किसी ट्राईपॉड वगैरह के साथ या किसी के साथ कनेक्ट करना हो, अगर आप ये केसिंग लगाते हो उसके बाद में, तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको लगाने के लिए आपको ये चाहिए स्क्रू, बहुत तेज़ी बहुत टाइट है यार। ये हमारे पास स्क्रू, इसका इसको टाइट करने के लिए। और इसके साथ है हमारे पास ये, देखते हैं खोल के इसके अंदर क्या है। लग तो केबल ही रही है, टाइप सी की केबल होगी। और ये टाइप सी की केबल है हमारे पास। और इसके बाद देते हैं ये, हमें टाइप सी टू माइक कन्वर्टर दिया हुआ है साथ एक। और उसके बाद हमारे पास बॉक्स के अंदर और क्या है, ये कुछ हमारे पास। उन्होंने थैंक यू फॉर चूजिंग ही लव जी, आगे उन्होंने अपने लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं। उसके बाद ये रीडिंग मटेरियल है, जैसे हम स्कूल में देते थे ना किताबें, उसी तरह ये भी देते हैं। पर ये ज़्यादा किताबों की तरह ये भी हमारे पास फ़ायदेमंद होती है अगर पढ़ें तो। इन्हें सारा ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप जो है ना किस तरह ये सारे माउंट जो है इसकी वाटर रेजिस्टेंस किस तरह यूज़ करनी है। उसके बाद ये हमारे पास उनके दूसरे एक्सेसरीज, उन्होंने बताया हुआ कि जो है ना आप ये वाले मेमोरी कार्ड जो है ना आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं। जो मैंने इसकी रिसर्च की थी उसके मुताबिक जो है ना इसमें U3 का कार्ड आप डालो तो ज़्यादा बेहतर है। तो खैर आप आगे चलते हैं, बाकी ये भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इसके साथ। और जो इन्होंने ये टाइप सी टू ये कन्वर्टर का दिया हुआ है, और बाकी इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और ये इसका वारंटी कार्ड है, लिमिटेड वारंटी कार्ड, लिमिटेड वारंटी फॉर ये वाटर केस। अच्छा ये वाटर केस है। अच्छा तो अब जो हमारे पास मेन चीज़ है उसकी तरफ चलते हैं। टेक्सचर तो चेक करें भाई इसका, लेवल है ना, मज़ेदार टेक्सचर है। अच्छा तो अभी इसको, इसमें बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी डाल दें, यहाँ पे बैटरी डलेगी इसकी। और हाँ इसमें मेमोरी कार्ड भी डाल, इसमें मेमोरी कार्ड भी डालना है, जो हमारे पास मेमोरी कार्ड नहीं है। तो खैर इसको भी वैसे ही ऑन करते हैं, फेस में डालते हैं मेमोरी कार्ड बाद में। ओ वाओ, अच्छा तो इसके अंदर अभी 4K जो में वीडियो बन रही थी, इसमें से जो सारे जो है ना इसके अंदर जो अभी मोड है वो आ रहे हैं, फोटो टाइमर बर्स्ट मोड टाइम लैप्स और स्लो मोशन। और उसके बाद और सेटिंग्स में देखते हैं। अच्छा यहाँ पे रेजोल्यूशन आ रहे हैं जिस जिस पे बना सकता है वीडियोस, 480 240 FPS, 4K HD 30 FPS के ऊपर, और ये सारे आ रहे हैं। जब बैग में जाते हैं, अच्छा फील्ड व्यू आ रहा है कि आपने वाइट वीडियो बनानी है किस तरह बनानी है। उसके बाद मीटरिंग मोड है, तो खैर मुझे भी नहीं पता क्या होता है, बाद में देखेंगे। अच्छा वीडियो क्वालिटी, वाइट बैलेंस, कलर, शटर, ISO, मैक्स, ऑटो। वैसे अगर इसको 1600 पे रखें, क्योंकि इसका मैक्स यही है, तो अगर इस पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। शार्पनेस मीडियम, उसके बाद इमेज स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक टाइम स्टैम्प, और उसकी दूसरी सेटिंग में जाते हैं। अच्छा एडजस्ट लेंथ, और ये वाईफाई जो है ना, ये वाईफाई भी है, ये वाईफाई इसलिए है कि अगर आपने कनेक्ट करना हो ना इसको अपने उसके साथ मोबाइल के साथ, उसके लिए SD कार्ड अभी इसमें और में अवेलेबल नहीं है। ब्राइटनेस, बीप, माइक और साउंड इफेक्ट्स और
लैंग्वेज बाउल। अच्छा ये उन्होंने, अच्छा तो खैर हमारे पास अब ये आ गया है यार, बहुत मज़े का है। काफ़ी टेक्सचर जो है ना इसका, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ये इसमें एक स्पीकर है, स्पीकर भी दिया गया है, माइक है, ये इसका पिक्चर लेने का बटन होगा, और उसके अलावा ये भी माइक है। ये इसमें यहाँ पे बैटरी और मेमोरी कार्ड लेगा, और यहाँ पे इसके जो ट्राईपॉड वगैरह अटैच करने के लिए। और ये हमारे पास क्या है, ये टाइप सी अटैच करने के लिए होगा। हाँ टाइप सी और अटैच करने के लिए। अच्छा ये बाकी इसमें अगर आपने आवाज़ के साथ पिक्चर खींचनी हो। अच्छा ये मोड चेंज हो रहे हैं यहाँ से। खैर देखने में तो काफ़ी मज़े की चीज़ लग रही है, अब इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। तो अब जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं, और इसको हम मेमोरी कार्ड डाल के ना अब इसको हम यूज़ करते हैं कि इसका रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं, तो इसके स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे। अब इसका व्यू वगैरह चेक करते हैं सारा, इसके रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं। इसमें बैटरी भी इसकी लो है, पहले इसकी बैटरी, इसको चार्ज करते हैं बैटरी को, उसके बाद हम वीडियोस बना के वो दिखाता हूँ आपको किस तरह की आती है। चलें फिर अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही। 4K 60 FPS का टच वाला वीडियो कॉल, ये वीडियो 4K 60 FPS के ऊपर। जॉगिंग टेस्ट कर लेते हैं अब, थोड़ा आके देखते हैं। जॉगिंग टेस्ट कर लेते हैं अब, थोड़ा आके देखते हैं। 4K 30 FPS के ऊपर वीडियो बन रही है, ये वाली है क्लेम करते हैं कि जो है ना इमेज स्टेबलाइजेशन 4K 30 FPS के ऊपर होती है। तो हम चेक कर लेते हैं इसका रिजल्ट किस तरह के और किस तरह की स्टेबलाइजेशन होती है इसमें। अब थोड़ा रनिंग टेस्ट करते हैं और जॉगिंग टेस्ट करते हैं कि स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं किस तरह की है। फोर के 30 FPS HD के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है इसके 4000x3000 इसके रेजोल्यूशन है, और इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो चेक करते हैं बाकी सारे इसका सीन, और इसमें भी जॉगिंग टेस्ट करके देख लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट है। ओवरऑल जो है ना कैमरे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी पसंद आया है। तो यही है कि अगर आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च के अगर आप GoPro लेना चाहते हो तो आप उसकी हाफ प्राइस में ये का 4K+ कैमरा ले लो, आपका सारा काम हो जाएगा। और इसके अंदर 30 FPS के अंदर जो है ना इसकी स्टेबलाइजेशन अच्छी है, पर बेहतर ये है कि आप 4K 60 FPS के ऊपर वीडियो बनाओ, क्योंकि 30 FPS में ना 12% एक्चुअली 12% जो है ना इसकी जो वीडियो का साइज़ है वो श्रिंक हो जाता है, वाइड कम हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप जो है ना उसको 4K 60 FPS पर यूज़ करो, और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको स्टेबलाइज कर लो। और ऑल माई टेक ने अच्छा प्रोडक्ट भेजा है, थम्स अप टू यू, अच्छा काम कर रहे हो। और उसके बाद मैं तो प्रेफर यही करूँगा कि आप GoPro, अगर इतने ज़्यादा पैसे खर्चना चाहते हो तो आप GoPro ले लो, अगर आपका बजट थोड़ा है और आप अच्छी चीज़ लेना चाहते हो तो ये 4K+ ले लो, बहुत अच्छा काम करेगी। खैर आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे हम अगले एपिसोड के अंदर।